नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17 और 18 जून की आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी आज में बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं यश में ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का श्राप की राशि पर क्या होगा, किन किन चीजों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों इन दो दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे व्यतीत होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप इन दिनों को और भी लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों निवेदन है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों, आप जानते हैं विस्तार से, पहले जानते हैं इन दोनों की ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों 17 जून की बात करें तो दोस्तों ये दिन गुरुवार का दिन रहेगा। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी और पूर्व फाल्गुनी नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों दिन योग की बात करें तो वज्र नाम के शुभ योग के बाद ये दिन श्रवाद सिद्धि नाम के बड़े दुर्लभ संयोग बन रही है। जी दोस्तों, ये आपके बहुत सारे क्षेत्रों के लिए लाभकारी साबित होने वाले हैं। वही दोस्तों दिन राहु कल के समय की बात करें अर्थात अशुभ समय की, दोस्तों ध्यान रहे आप अशुभ समय में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों यह समय रहेगा दोपहर के 2:08 से लेकर शाम के 3:49 तक। और दोस्तों चंद्रमा इंद्र सिंह राशि के उपरांत कन्या राशि में संचार करेंगे। वही दोस्तों अगले दिन यानी 18 जून की बात करें तो दोस्तों दिन शुक्रवार का दिन रहेगा। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी और उत्तर फाल्गुनी नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों बहुत ही अच्छे नक्षत्र भी इस दिन रहने वाले हैं। शाति व्यातिपात नाम के योग के बाद ओरियान नाम जैसे शुभ योग रहने वाले हैं और यह भी आपके कार्य क्षेत्र में कई प्रकार की लाभकारी स्थितियाँ आपको देने वाली है। वही दोस्तों दिन राहु कल का समय रहेगा सुबह के 10:47 से लेकर दोपहर के 12:28 तक। और दोस्तों चंद्रमा दिन कन्या राशि में ही भ्रमण करने वाले हैं पूरे दिन भर। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इन दोनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का यह गोचर आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव डालती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यह समय अपना स्थान परिवर्तन करेंगे जिससे आप अपनी सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर दिल खोल कर यह समय खर्च करते हुए नजर आएंगे। माता पिता से संबंध यह समय अच्छे हो सकते हैं तथा माता पिता से सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। परिवार में आपसी सामंजस्य बेहतर होने की संभावना बन रही है। वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी नेगेटिविटी की बात करें तो दोस्तों ये जो समय है आपके लिए किसी मित्र या फिर साथी के साथ आप जो है झगड़ने से बचें, इससे आपको तनाव हो सकता है। इस तरह की जो जब भी परिस्थिति आए तो आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण करना सीखना होगा। दोस्तों यश में इस तनाव से बचने के लिए एकमात्र रास्ता यही है कि यश में जो है बातचीत की दिशा में पहला कदम आप बढ़ाएं और यदि शीत युद्ध की संभावना हो तो दोस्तों उनके साथ नरमी से आप बातचीत करें। इनसे दोस्तों यश में आपके झगड़े की संभावना बहुत कम होंगी। वह दोस्तों इन दिनों में आपके लिए जो समय है कुछ परेशानियों भरा भी होगा। किसी बात की चिंता करने के बजाय आप जो है उसका हल खोजने का प्रयास करें तो आप यश में अपने कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। दोस्तों सब कुछ जानते बूझते हुए भी आप चुप यश में बिल्कुल ना रहें, नहीं तो दोस्तों इससे आपके और आपके परिजनों को नुकसान हो सकता है। दोस्तों इन दिनों में निजी जीवन से संबंधित कोई जो है महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले किसी से आप सलाह अवश्य करें। दोस्तों ये जो दिन है अपने मूड स्विंग करने में आप नियंत्रण रखें, अपने मूड को बदलने में यश में आप रोक लगाएं। दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो दिन है आपके लिए जॉब की तलाश पूरी हो सकती है। अगर आप कुछ दिनों पहले जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे तो दोस्तों यश में आपकी उनका जो है रिपोर्ट आ सकता है और आपको सफलता मिल सकती है। वह दोस्तों ये जो समय है आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। यदि आप व्यवसाय करते हैं या फिर यदि आप नौकरी करते हैं तो इसी तरह के निवेश का नज़रिया आप अपना सकते हैं। वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो समय है आपके लिए एकल लोगों को अपनी पसंद का साथी खोजने के कई अवसर या जो समय मिल सकता है। सामाजिक समारोहों में इस तरह के लोगों से जो है मिलना जुलना एक कुंजी होगी। दोस्तों ये जो समय है इन दिनों में
परिजनों से अपनी बात व्यक्त करने में आप न कतराएं। यदि परिवार में किसी बात से आप खुश नहीं हैं तो दोस्तों ये जो समय है आप उनसे बात अवश्य करें, नहीं तो ये जो रिश्ता है इसमें कड़वाहट बढ़ सकती है। दोस्तों यह समय अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप जो है अपने भावों को और अपने विचारों को किसी के भी सामने खुलकर व्यक्त करें। उन्हें जो है जितना दबाएंगे उतना ही आपका जो है रोग बनेगा और ये रोग का कारण बनेगा। दोस्तों इन दिनों में आप अपने स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के निदान अथवा उनकी जांच कराने के लिए खर्चे भी कर सकते हैं। दोस्तों यह समय आपका भाग्यशाली रंग रहेगा गेरुआ और भाग्यशाली अंक रहेगा यह समय 4। वही दोस्तों यह समय गृह जी कहते हैं कि ये जो आपके लिए समय है प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में आप सक्षम नहीं होंगे। दोस्तों इसलिए यह समय कठिन कार्य में जो है आप हाथ न डालें तो आपके लिए जो समय है बेहतर होगा। कोई भी कार्य या फिर घटना आपकी जो है धारणा के अनुरूप न होने से आपको पूरे दिन कुछ भी कामकाज किए बिना निष्क्रिय बैठे रहने की इच्छा होगी। हताशा को दूर कर आशावादी बनने की सलाह यह समय गृह जी देते हैं। वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो समय है सभी कम्युनिकेशन में आपकी जो है वाक्य शक्ति उपयोगी सिद्ध होंगी। चाहे वह बैठक हो या फिर कोई औपचारिक चर्चा, आपका व्यवहारिक दृष्टिकोण जटिल समस्याओं को सुलझाने में मददगार साबित होगा। नए अवसरों को पता लगाने में आपके विचार आपके वरिष्ठ लोगों को पसंद आएंगे। वही दोस्तों यह समय आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो दोस्तों ये जो समय है आपके लिए, इन दिनों में आप प्रेमी के साथ एक रोमांटिक शाम का इंतजार कर रहे हैं, गणेश जी ऐसा कहते हैं। दोस्तों यह समय पीर के साथ किसी जो महंगे रेस्टोरेंट में भोजन करने के लिए आप जा सकते हैं, उसका आनंद जो है उठा सकते हैं। वही दोस्तों यह समय आप अपने जो जीवन साथी को या फिर साथी को एक रोमांटिक उपन्यास देना पसंद करेंगे या आपके जो दिमाग में यह समय विचार आएगा। वही दोस्तों ये जो दिन है आपके लिए अगर आपकी अर्थव्यवस्था की बात करें तो यह समय अपने वित्त भविष्य को लेकर दुविधा महसूस करेंगे। वही दोस्तों इन दिनों में आय से संबंधित सभी पहलुओं पर अटकलें लगाते मिलेंगे। हालांकि आपको यह समय है अपनी ओर से कुछ भी धन कमाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों इन दिनों में आप बहुत ही दिल से अच्छे रहेंगे। दोस्तों ये जो दिन है आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप अपनी क्षमता बढ़ाने की यह समय कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य के अनुसार ये जो आपके लिए समय होंगे समस्या से बिल्कुल भरा नहीं होगा। आपको दूसरों के साथ बहुत अधिक बहस करने से यह समय बचना होगा। दोस्तों इससे आप जल्दी ही थका हुआ अनुभव करेंगे। वहीं दोस्तों यह समय धार्मिक भावनाओं के चलते आप किसी जो है तीर्थ स्थल की यात्रा करेंगे और किसी संत से कुछ जो है दैवीय ज्ञान प्राप्त करेंगे। दोस्तों यह समय मुमकिन है कि आपको धन से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, लेकिन दोस्तों यह समय जो है आप अपनी सूझबूझ से आप हानि से बच सकते हैं और उन हानि को आप यह समय मुनाफे में भी बदल सकते हैं। अगर बातचीत और चर्चा आपके मुताबिक न हो तो दोस्तों यह समय आप नाराजगी में कड़वी बातें कह भी सकते हैं जिन्हें लेकर बाद में आपको पछताना भी पड़ेगा, इसलिए दोस्तों भली भांति सोच समझ कर ही बोलें। दोस्तों यह समय आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें कि अपने कार्य क्षेत्र में धन लाभ एवं निरंतर सफलता प्राप्त करने के लिए घर में बनने वाली पहली 3 रोटी गाय कुत्ते पक्षियों के लिए निकालकर उन्हें घी और हल्का मीठा लगाकर देने से सदैव लाभ ही लाभ होती है, एवं गुरुवार को प्रातः तुलसी में थोड़ा कच्चा दूध डालने से आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों इन उपायों को आप यश में करें। साथ ही दोस्तों ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि दोस्तों अधिक जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।